तो पिछले वाले वीडियो में हमने बनाया था एक बांध जो कि एनिमल्स के लिए था, बट अब इस दो पैर वाले एनिमल को भी एक कासल चाहिए जो कि बड़ा और अच्छा हो। बड़ा ही ना सही बट कासल तो बना ही लूंगा, कासल तो बनता रहेगा, बट अगर वो लाल लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबता था तो बढ़िया लगता। इसलिए अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपका दिन अच्छा जाएगा। चले तू। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है द पेपर क्राफ्टर, आर वर्ल्ड, कश्यप, एफटी बॉय, तरुण प्लेज और डार्क स्पाइडर को। और अगर आप लोगों को भी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट चाहे तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का भी किस्मत चमक जाए। तो अब करते हैं आज का इस छोटे से कार्यक्रम को शुरू, तो लेट्स बिगिन। गाइस हम गेम खेले और इन लोगों को ना मारे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम कलेक्ट करते हैं फ्री के कुछ एक्सपी। और गाइस वीडियो के स्टार्ट में हम करते हैं कुछ मजदूरी है। जो भी हो मजदूरी नहीं रुकना चाहिए। कुछ देर बाद मुझे अपने फ्यूचर से भी डार्क एक ब्लॉक मिलता है जिसको हम ऑब्जिडियन भी बोलते हैं। और अगर ये हमें बहुत सारा मिला तो हम एक नर्क का द्वार भी बना सकते हैं। और बोलते बोलते प्रकट भी हो गया, अब तो काला दरवाजा बन के ही रहेगा। गाइस हम यहाँ नर्क का प्लानिंग कर ही रहे थे बट ये आग का गोला स्पॉन हो जाता है। चल गाइस मेरे वाले खिड़की के सामने तो चांद का टुकड़ा नहीं एक आग का गोला है, और उसको कूदते कूदते हम अपने छोटे मजदूर को भी एक फटका चिपका देते हैं, बट ये नहीं मरता, लगता है अंबुजा सीमेंट से बना है। और अपने खिड़की को फिक्स करने के बाद हम कुछ देर मजदूरी करते हैं, और माइन करते करते सुअर के दूर का चच्चा मिल जाता है जिसको हम प्यार से अपने घर पहुंचा देते हैं। और उसके बाद फिर से माइन करते करते हमें एक गोल्ड का ब्लॉक मिल जाता है जिसके बाद हमारा आंखें चमक जाता है। और कोई चुराना ले इसलिए हम इसको संदूक में रख देते हैं। और कुछ प्लैंक्स बनाने के बाद हम बनाते हैं एक शील्ड जिसको अपने हाथ में चिपकाने के बाद कैप्टन अमेरिका वाला फील आ रहा था। और कुछ फेंस लगाने के बाद कैप्टन अमेरिका कारपेंटर अमेरिका बन जाता है। जो कुछ भी हो मजदूरी टॉप में है। और अब इस ब्लॉक के ऊपर हमें लगाना था पानी, बट हमारा बाल्टी तो खाली था इसलिए हम आ जाते कुएं में और पानी निकालते हैं। कुछ देर एक्सपी फार्म में मारपीट करने के बाद फ्री के एक्सपी लेकर हम चले जाते हैं अपने इन्फिनाइट ब्लॉक के ऊपर, और बीच वाले ब्लॉक में हम डाल देते हैं पानी, बट पानी ने ऊपर वाले ब्लॉक से निकल कर औकात दिखाती है। इधर फेंस गेट लगाने के बाद हमारा पानी रुक जाता है, बट गाइस हमें माइनिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, बट हम अपने दिमाग में ज्यादा जोर नहीं लगाते। हम जाते घर में और हमारे फार्मर को तीन फटका लगाने के बाद हम भी सो जाते हैं। और उठने के बाद हम फिर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, जहाँ पर हमें एक चेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर था एक गोल्डन एप्पल, बट हमें अभी गोल्डन एप्पल नहीं चाहिए था तो हम फिर से कुछ माइनिंग करते हैं। गाइस हमें अपने नर्क का द्वार का लास्ट पार्ट मिल जाता है जिसको माइन करने के बाद हमारे पास इनफ ऑब्सिडियन हो जाते हैं, जिसके बाद हम बनाते हैं एक पोर्टल को। गाइस पोर्टल तो बनकर रेडी हो चुका था बट हमारे पास लाइटर नहीं था, तो एक्सपी फार्म में बहुत गुस्सा निकलने के बाद हम चले जाते घर में और बनाते एक सस्ता लाइटर को। और उसको बनाने के बाद हम जाते अपने पोर्टल की तरफ और उसको इग्नाइट कर देते हैं। और हम नेदर में चेक करने के लिए जाते हैं कि वहाँ भी वन ब्लॉक ही है या पूरा वर्ल्ड ही है। गाइस हमारा नेदर तो फुल था और वहाँ कुछ नर्क के प्राणी भी घूम रहे थे, बट गाइस कुछ देर घूमने के बाद मेरे फोन को अपना औकात याद आ जाता है और हमें ये सिर्फ हड्डिया ही काम के लगता है, तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। गाइस मैं एक्सप्लोर करता हूँ बट मुझे कुछ खास नहीं मिलता, इससे पहले कि मेरा फोन सर की तरह फट जाए तो हम जल्दी ओवरवर्ल्ड में चले जाते हैं। गाइस ओवरवर्ल्ड में पहुंचते ही मैं और मेरा फोन दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। और ओवरवर्ल्ड में आते ही फिर से एक्सपी फार्म में कुछ मारपीट करते हैं, और इन लोगों को टपकाने के बाद कुछ अंग्रेजी रोटियां खाते खाते हम चले जाते हैं अपने घर की तरफ। और गाइस आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मुझे इस वाले चेस्ट में एक गोल्ड एप्पल मिल जाता है। और चेस्ट के साथ ही इसको उठाने के बाद हम घर जाकर अपने विलेजर को फिर से दो तीन फटका मारने के बाद सो जाते हैं। शायद ये वाला विलेजर आज मरने वाला है। उठने के बाद फिर से हम दरवाजा बंद करते करते विलेजर को एक चिपका देते हैं और फिर से मजदूरी करने लगते हैं। गाइस मेरे हिसाब से मेरे चेस्ट में जो भी फालतू का सामान है उसकी वजह से मेरा गेम लैग कर रहा है, तो मैं इन सारे फालतू चीजों को जलाने के बाद मिलता हूँ। सारे फालतू सामान को जलाने के बाद गाइस सारे फालतू सामान को जलाने के बाद अब हमें बनाना था अपने कासल के लिए एक आईलैंड, तो जल्दी जल्दी कुछ हुड को कलेक्ट करते हैं। तो घर में आने के बाद क्राफ्टिंग टेबल में हम बनाते हैं कुछ प्लैंक और उस प्लैंक के बनाते हैं कुछ स्लैब्स। गाइस स्लैब्स बनाने के बाद हम अपने बिग ब्रेन का बहुत 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 यूज करते हैं, और फाइनली हम अपना एक एरिया फाइंड करते हैं जहां हमें बनाना था अपना आइलैंड को। और हाथ में कुछ स्लैब्स को रखने के बाद हम बनाने लगते हैं आइलैंड को। गाइस उड़ता हुआ जमीन बनाते हुए तो आप लोगों ने कितने सारे एपिसोड में देख ही लिया होगा, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को इसको बनाने के बाद। गाइस हमें मिलता है एक स्पाइडरमैन जिसको हम अपने धनुष से उड़ा देते हैं। बेचारा स्पाइडरमैन वॉइड में तड़प रहा होगा। स्पाइडरमैन को स्वर्ग में पहुंचाने के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। अपने एरिया को कंप्लीट करने के बाद गाइस फाइनली हम अपने एरिया को कंप्लीट कर देते हैं। और अब हमें पूरे वर्ल्ड को ढक देना था फेंस से, तो हम कुछ हुड को कलेक्ट करने लगते हैं। पता नहीं कितने फेंस लगेंगे।
और घर में आने के बाद फिर से क्राफ्टिंग टेबल में हम बनाने लगते हैं कुछ फेंस को, और बहुत सारे फेंस को क्रिएट करने के बाद हम चले जाते हैं अपने वॉल्ड में, जिसके बाद हम अपने वॉल्ड को कवर करना शुरू कर देते हैं। इन दो फेंस को लगाने के बाद ये नीचे वाला फेंस हम तोड़ देंगे, और गाइस इस वाले फेंस के साथ साथ हमें दूसरे वाले फेंस को भी लगाना है। देख रहे हो गाइस, अगर आप लोग भी फिजिक्स के 14 नंबर हो तो माइनक्राफ्ट आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी भाई साहब का इस गेम से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड को फेंस से कवर करने के बाद, और गाइस फाइनली हम अपने वर्ल्ड को फेंस से कवर कर देते हैं। अब हमारे इस वर्ल्ड में मरने के चांसेस थोड़े कम हो चुके थे, और गाइस हमारा कोबलस्टोन जनरेटर फिर से हमें एक बार धोखा दे देता है। और गाइस हमारे कासल में जो वुड यूज होने वाला था वो स्प्रूस का था, तो इसको भी हमें कट डाउन करना है। और एक्सट्रीमा में मारपीट करने के बाद हम चले जाते हैं अपने घर में, और गाइस आप लोगों को सुनकर विश्वास नहीं होगा कि मेरा पिकैक्स कुछ ग्लिच की वजह से एक बो बन चुका है। मेरे हाथ में जो आप लोग बो देख रहे हैं उसका डुप्लीकेट है ये। माइनक्राफ्ट बता दे रहा हूं, सस्ते नशे करना छोड़ दो अब। और उसके बाद हम अपने चेस्ट से कुछ कोबलस्टोन निकाल दे, जिसको हम फर्नेस में स्मेल्ट कर देते हैं। गाइस कोबलस्टोन जनरेटर में काम करते करते ये एक बंजारा और इसका पालतू सामने आ जाता है। इन लोगों को भी मरने का ही शौक है। गाइस डायमंड का ही ना सही, हम एक गोल्ड के पिकैक्स से कोबलस्टोन को माइन करते हैं, बट गाइस ये पिकैक्स भी बीच में हमारा साथ छोड़कर चला जाता है। और गाइस कोबलस्टोन का अमाउंट तो देखने लायक है, और उसको कलेक्ट करने के बाद हम इधर आ जाते हैं कुछ एमरल्ड्स लेकर, और इस बंजारे से हम लेते हैं एक चेरी का सैपलिंग जो कि हमारे लिए यूजफुल था। गाइस आज ये माइनक्राफ्ट मुझे बहुत सारा सरप्राइजेस दे रहा है। डायमंड की जगह एक नेदर का चुड़ैल स्पॉन कर दिया। गाइस हमारे वॉल्ड के नीचे ये मस्त उड़ रही थी, और हम इसको बो से मारते, बट गाइस मेरा निशाना तो कच्चा निकलता है। गाइस जितना भी कच्चा निशाना हो बट एक शॉट लग ही जाता है। गाइस चिल्लाकर इसने मेरा कान फाड़ दिया, और हम इसको बलून की तला फोड़ देते हैं। गाइस जिसको भी मार लो, बट एंड ऑफ द डे हमें मजदूरी करना पड़ेगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं घर में, और गाइस मुझे मिला था कुछ नेदर के जड़ी बूटी, जिसको हम निकाल लेते, और गर्म गर्म रॉड को भी निकाल लेते, जिसका हम बना लेते एक ब्रिंग स्टैंड, और ब्रिंग स्टैंड को हम रख देते एक कोने में। और गाइस फाइनली हमारा लास्ट लेवल भी खुल जाता है, जो कि था द एंड। तो फिर से मजदूरी मोड ऑन किया जाए, और गाइस एंड वाले लेवल में भी ये ऑब्जिडियन मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। गाइस मुझे पहले ही नेदर वाले लेवल से एक ब्लेज रॉड मिल गया था, जिसका हम बना लेते हैं कुछ ब्लेज पाउडर, और इसको रख देते हैं ब्रिंग स्टैंड में, और हम बनाने लगते हैं पोशन ऑफ वीकनेस, क्योंकि अब मुझे मेरे मजदूरों से थोड़े कम सामान में एमरल्ड चाहिए थे। बट गाइस फॉर्मेटेड स्पाइडर बनाने के लिए तो मेरे पास शुगर केन ही नहीं है। आज तो तू बच गया बेटा, जब शुगर केन मिलेगा तब देखा जाएगा तेरा। और उसको हम जेल से मुक्ति दिला देते हैं, जिसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा पप्पी देते हुए इसको हम मेंशन के अंदर डाल लेते हैं, जिसे इन लोगों को हम ब्रीड करेंगे, और जब बहुत सारे विलेजर्स हो जाएंगे तो अपने आप आयरन गोलम स्पॉन हो जाएगा। बहुत तेज हो रहे हैं। और गाइस मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर उड़ने लग गया हूँ, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और फिर से एक नाकाम एमएलजी करने की कोशिश, जिसमें मेरा पेट टूट जाता है। और गाइस इस तकले लड्डू को मैं मारने की कोशिश करता हूँ, बट गाइस ये मुझे फिर से आसमान की शेर करा देता है। और गाइस दो दो मॉब्स मेरे ऊपर थूक रहे थे, वर्ल्ड के राजा को थूकने की सजा मैं इसको टपका देता हूँ, और फिर से एक नाकाम एमएलजी, जिसमें मेरा फिर से पेट टूट जाता है। और गाइस फिर से हम करने लगते कुछ मजदूरी, माइंड करते करते एक काला लंगूर स्पॉन हो जाता है, जिसको हम मार देते हैं। हाथ में डायमंड का शॉट थोड़ी ना पकड़ा हो, और माइंड करते करते फिर से एक तकला लड्डू स्पॉन हो जाता है, बटन इसको टपका देते, और फिर से एक नाकाम एमएलजी। अब तो पैर के साथ साथ दिल भी टूट गया। और लास्ट वाले सल्कर सेल को हम कलेक्ट कर देते, जिसके बाद हम बनाते एक सल्कर चेस्ट, और फिर से करते मजदूरी। बट गाइस हमें मजदूरी करने का फल मिल जाता है, एक डायमंड मिल जाता है हमको, और घर के डायमंड को मिलाने के बाद हम बना लेते इससे एक पिकैक्स, और पिकैक्स से धार को चेक करने के लिए फिर से हम मजदूरी करने लगते हैं। और एक बार में मारपीट करने के बाद हम फ्री की एक्सपी उठाते हैं, और गाइस कोबलस्टोन में हाथ पैर मारने लगते हैं। और गाइस उस नए एरिया में आने के बाद हम लंबी नींद सो जाते हैं, और सुबह उठने के बाद हम उस वाले बेड को तोड़ देते हैं, और इधर एक प्लेस कर देते हैं सल्कर बॉक्स, जिसके अंदर बहुत सारे कोबलस्टोन थे और कुछ ब्लॉक्स थे, और उस कोबलस्टोन का हम एक सर्कुलर शेप बनाने लगते हैं। कुछ अद्भुत से गोले के साइड में हम कुछ ब्लॉक्स लगाते, और फिर इधर भी बनाने लगते हैं वैसा ही गोला। कासल के आउटलाइन को बनाने के बाद फाइनली हमारा ये आउटलाइन बनकर रेडी हो चुका है, और इसके ऊपर हम लगाने लगते हैं कुछ ब्लॉक्स, जिसके ये लंबा बने हैं। गाइस इधर कुछ लंबा और कुछ छोटा छोटा बनने वाला है, तो मैं मिलता आप लोगों इसको बनाने के बाद। कासल बनाने के बाद गाइस फाइनली हमारा ये पिलर्स बनके रेडी हो चुका था, और गाइस ये वाला क्लच हम फाइनली सक्सेसफुली कर लेते हैं, जिसके बाद हमें अच्छी नींद आती है। और बेड से उठने के बाद हम इधर बाहर आ जाते हैं, जहाँ हमने एक डोर बनाया है। उसके बाद कासल के अंदर सारे पिलर्स के आगे भी हम कुछ डोर बना लेते हैं छोटे छोटे, और इसके फ्लोर में घुसा देते कुछ स्प्रूस के प्लैंक्स।
और उसके बाद हम बनाते कुछ अतरंगी पत्थर जिसके हम स्लैब बनाते और बनाते कुछ सीढ़ियां, और उन सीढ़ियों को लेकर हम चले जाते पिलर्स में, जिसके बाद हम इधर पिलर्स के ऊपर चले जाते और बनाने लगते हमारे कासल के टॉप का डिजाइन, जो कि आप लोगों ने चेस में देखा होगा। तो गाइस फाइनली हमारे कासल के ऊपर ऐसा डिजाइन करने के बाद हमारा कासल कुछ ऐसा दिख रहा था, जिसके बाद हम पिलर्स के आगे ये सब लॉक तोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ भी तोड़ने के बाद हम इधर लगा लेते स्प्रूस के लॉक, जिसके बाद हम इसको उबले हुए आलू की तरह छील लेते हैं। और गाइस हम इधर डिजाइन के नाम में कुछ भी बना दे रहे थे, और साइड में फेंस लगाने के बाद हमारा कासल कुछ ऐसा दिख रहा था। और गाइस डोर के लिए हम बनाते इधर कुछ स्टेयर्स, जिसको हम साइड साइड में से लगा लेते हैं, जिसके बाद गेट कुछ ऐसा दिख रहा था, और इसके साइड साइड में लगा लेते कुछ ट्रैप डोर्स और इसको बंद कर देते हैं। गाइस इधर कितने सारे विलेजर्स हो चुके, बट अभी तक आयरन गोलन स्पॉन नहीं हो रहा। पता नहीं मेरे गेम में कुछ ग्लिच है या विलेजर्स कम पड़ रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि कितने विलेजर्स लगते हैं। और एक्सपी फार्म में कुछ मारपीट करने के बाद फ्री की एक्सपी हराप कर हम इसके ऊपर स्लैब लगाने लगते हैं। और गाइस माइन करते करते इधर नीचे हमारा एक एंड पोर्टल स्पॉन हो जाता है। और गाइस अब हम फाइनली एंडर ड्रैगन को मार सकते थे। गाइस जब हम अपने इनफिनाइट ब्लॉक को तोड़ते तब हमें रैंडम ब्लॉक्स मिल रहे थे, जिसमें हमारा डॉट भी था। और गाइस डॉट कितना रेयर है आप लोगों को तो पता ही होगा। और गाइस इस साइड वाले एरिया को भी हम फिक्स कर देते हैं, और मैं आप लोगों से मिलता हूं सीधा कासल को डिजाइन करने के बाद, पूरे कासल को डिजाइन करने के बाद। गाइस हम इधर कुछ तीरंदाजी कर रहे थे, और गाइस हमारा कासल कुछ ऐसा दिख रहा है। आगे तो हमने बहुत सारा डिटेलिंग दिया है, बट पीछे खाली है, जैसे आप लोगों को पता है मेरे दिमाग की तरह। और इस अंदर वाले एरिया भी कुछ खास नहीं है, और गाइस इधर से हम तीरंदाजी कर सकते हैं, बस नीचे गिरने के लिए कुछ हार्ड बलिदान करने पड़ेंगे। गाइस मैंने इन लोगों से इन लोगों का बेट को दूर करने के बाद इन लोगों को तरपाने की कोशिश किया, बट इन लोगों ने आयरन गोलम अभी भी स्पॉन नहीं किया। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग कमेंट में बताना कि आयरन गोलम को स्पॉन कैसे करते हैं वन ब्लॉक में, या तो इन वाले विलेजर्स के पास उतना शक्ति नहीं है आयरन गोलम स्पॉन करने का कुछ भी। अगर आप लोगों को मेरे सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। और अगर आप लोगों को डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।